मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जन आशीर्वाद यात्रा हिसार जिले के नलवा हलके में पहुंची। नलवा हलके के चौधरीवास गांव में कार्यक्रम के संयोजक वीर चक्र कैप्टन भूपेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री को टैंक प्रतिरूप देकर स्वागत किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नलवा हलके के चौधरीवास में अपने संबोधन में कहा कि इस हलके की प्रमुख समस्या पानी है, जिससे वह बखूबी अवगत हैं। उन्होंने कहा कि SYL का मुद्दा कोर्ट में है और जल्द ही इस मामले में फैसला भी आने वाला है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अधिकतर बड़े बांध चलवा दिए गए हैं और पानी की समस्या को निपटारा करने में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से लगी हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 5 साल में उनकी सरकार इसको लेकर प्रमुखता से काम करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान का पानी रोककर हरियाणा के लोगों की प्यास बुझाएंगे। भारत माता की, आज चौधरीवास के गांव में हमारे कैप्टन भूपेंद्र जी वीर चक्र के बुलावे पर आप इतनी बड़ी संख्या में बुजुर्ग नौजवान साथी हमारी माताएं बहने सबके आज दर्शन हुए। आपने इस यात्रा का स्वागत किया, अभिनंदन किया, हमको आशीर्वाद दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों बहनों, कुल मिलाकर इस हम लोगों को आप लोगों ने 5 साल पहले जो आशीर्वाद दिया था, हमने इस हरियाणा की जनता की, मैं हरियाणा की जनता नहीं कहता बल्कि इसको 2.5 करोड़ लोगों का अपना परिवार मानता हूँ, इस परिवार की सेवा पूरे हमने मनोयोग से की और दिन रेखा नहीं, रात देखी नहीं, हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा, लगातार सेवा करते रहे और आपके इलाके का भी विकास, आपके हर प्रकार के काम ये हम लोगों ने किए। हमने भाई बहनों भ्रष्टाचार पर भी चोट मारी, जैसे नौकरियां हमने मेरिट पर दी, इसी प्रकार से जो लोगों ने इस प्रदेश को लूटा खाया उनके खिलाफ कार्रवाई करके भाइयों बहनों ना खाएंगे ना खाने देंगे और जो खाया पिया वो भी निकाल लेंगे भाइयों। ये पैसा जो लोगों ने भ्रष्टाचार करके अपनी जेब में डाला, अपने बेटे बेटियां पोते पोती नाते दोते दोती और चाचा भतीजा सारा जीजा सबका जो हिसाब किताब ले लेंगे, किसी का छोड़ेंगे नहीं भाइयों बहनों। आज हमारी ये जो ये आशीर्वाद यात्रा ये लगातार कालका से शुरू होकर यहाँ चल रही है, 12 दिन आज इसके होने जा रहे हैं और 12 दिनों में हमने 70-72 सीटों के ऊपर अपना ये रथ लगातार चलता जा रहा है, लोगों का आशीर्वाद लिया है। जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने बताया अभी 8 तारीख को रोहतक में इसका समापन है, आप सब लोग ज्यादा ज्यादा वहाँ आइए। मैं वादा करता हूँ कि अगले 5 साल इससे ज्यादा स्पीड से डबल काम करेंगे और आप हमारा साथ देंगे, आपका साथ सबका विकास। इस इलाके की बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे जहन में है, सबसे बड़ी समस्या इस इलाके की वो है पानी की समस्या, आपकी पानी की समस्या हल करना हमारा काम है। चाहे हमको चाहे कहीं से भी पानी लाएंगे, हमारा SYL का मामला बहुत जल्दी हल होने वाला है, हंसी कुटाना का हल होने वाला है। नहीं तो भाइयों बहनों लखवार शुरू करा दिया हमने, रेणुका डैम शुरू करा दिया हमने, किसान शुरू करा दिया और अब पाकिस्तान का पानी भी रोक करके चाहे हमको कहीं से भी लाना पड़े तो पानी आपको जरूर मिलेगा, ये आपको वादा करते हैं। आने वाले समय में हमारी पहली प्राथमिकता वो पानी की रहेगी। भाइयों बहनों हम आपसे वादा करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।